बिहार विधानसभा चुनाव ऑल इंडिया मंजी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है और तीसरे मोर्चे की सरकार बना, लेकिन ये बेरिश असदुद्दीन अवैसी साहब इस वक्त बिहार के चुनाव प्रचार में है। और ख़ासतौर पर आपको हम बता रहे हैं कि बिहार में अभी सीमांचल में डटे हुए हैं और सीमांचल में कई दिनों से सभाएँ कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सीमांचल में कौन कौन से विधानसभा ऐसे हैं जहां पर मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि किशनगंज विधानसभा है जहां पर एमआईएम के विधायक पहले 2019 विधानसभा उपचुनाव पर यहां पर कांग्रेस के गढ़ को हराकर वहां पर जीता था और दूसरे स्थान में बीजेपी के उम्मीदवार आए थे। इस बार भी वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत झोंक दी है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पहला सभा किशनगंज में भी हुआ है और वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के काफ़ी लोग गोलबंद दिखाई दे रहे हैं। इस बार ऐसा लग रहा है किशनगंज की सीट एमआईएम की झोली में आ सकता है। तो दोस्त 35 साल से डॉक्टर जावेद का बाप का ढंग 70 साल से काम लेवा वो ये 8 महीने का अंदर कर दिया है। छतरघाट पंचायत में अभी तक एक शौचालय नहीं बना पाया था जावेद और ये इसने 10 महीने का अंदर बनाया शौचालय। नहीं तो ये जो विकास वाली बात होता है वो तो होते रहता है, वो जो रोड पुलिया वो विकास है, सभी एमएलए का कर्तव्य होता है, लेकिन उससे बढ़कर शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में क्या आपको विकास दिखा? 10 महीने में जितना कर लिया ना कांग्रेस ना कर ही नहीं पाया। कांग्रेस कर ही है नहीं, कहीं भी नहीं किया वो कांग्रेस, खाली वही है वोट काटेगा वोट काटेगा, क्या वोट काटेगा? नहीं तो आपको क्या लगता है इनका किन के साथ टक्कर है? इसके साथ इनका कमलोदा साहब का कौन सी पार्टी के उम्मीदवार के साथ? एक नंबर कमलोदा आएगा, दूसरा नंबर में स्वीटी सिंह आएगा, तीसरा नंबर में कांग्रेस है महागठबंधन जो है ना महागठबंधन तीसरा नंबर में। यानी कहीं ना कहीं भाई साहब का कहना है कि कमलोदा साहब का साथ सीधा टक्कर बीजेपी के साथ है यानी स्वीटी सिंह के साथ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पे फिर वो सत्ता में दोबारा जो आएंगे तो फिर विकास करेंगे? करेगा वो, आपको विश्वास है? विश्वास है, पूरा विश्वास है बिल्कुल। यानी और आपको दूसरा सवाल, एक बड़ा सा क्रिटिकल सवाल मेरे सामने में, क्योंकि आपके सभा में अभी इसी साहब से पहले कुछ देर पहले ही यहाँ इमरान प्रत्यागिरी साहब लैंडिंग कर गए, लेकिन आप लोग ने गो बैक का नारा किया लगाया। लेकिन कोई भी अतिथि अगर आते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों किया? उसको उतरना चाहिए था ना, क्यों नहीं उतरा वो? जब देखा वहाँ पे जहाँ पे उसको उतरने का पब्लिक ही नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ पे देख के वो यहाँ आ गया वो कि यही होगा, यहाँ पे उसको उतरना चाहिए था ना, स्वागत करते हम करते हम लोग, वो क्यों नहीं उतरा? वो उतरना चाहिए ना, वो हेलीकॉप्टर 10 बार ऊपर उठा रहा है नीचे उठा रहा है, तो उसको उसका बोर्डिंग भी ऐसे ही होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यानी भाई का कहना है कि उनका वोट जो है ऊपर और नीचे उसका ग्राफ होता जाएगा जैसे उसका हवाई जहाज लैंडिंग के वक्त हो रहा था। मैंने आपको पूछते हैं, लेकिन तो इमरान प्रतापगिरी साहब जो आए थे या कन्फर्म कौन थे, इमरान प्रतापगिरी साहब थे या फिर दूसरा थे? तो हम लोग को पता नहीं, लेकिन मालूम पड़ा कि वही था बोल रहे हैं। चलिए और चाचा लोग से जानते हैं, इनका कहना है कि इमरान प्रतापगिरी साहब ही थे उससे हवाई जहाज में, आपको फोटो दिखा देंगे वीडियो में चलते चलते। चाचा आपको क्या लगता है काकी सपोर्ट करी सुरजापुरी तो काकी सपोर्ट करी हमने कमल लो होता को कमल कोई नहीं आप आज नहीं तो आप ही तो देने चाहते हैं कौन पार्टी उम्मीदवार जो बोला कमल होता क्या सपोर्ट करी काक देखे सपोर्ट करी अभिषेक को देखे सपोर्ट क्यों करते हैं? वो विकास करता है ना, कोई 60 साल हमारा हो गया मगर कोई विकास हम नहीं देखा कोई पार्टी का, मगर इस 11 महीना के अंदर में इसका कुछ हम विकास देखा, इसीलिए इसी को देखा। तो चलिए और भाई से जानते हैं कि सबसे पहले भाई जान आपका नाम क्या हुआ? मसरी कुलाराम रायपुर हमारा। आपका विधानसभा कौन सा? पोठिया ब्लॉक, पोठिया ब्लॉक पड़ता है, विधानसभा किशनगंज है आपका। जी जी जी। तो आप क्या हवाई जहाज देखने के लिए आए थे क्या? बहुत सारे लोग होता है कि नहीं हवाई जहाज ये हेलीकॉप्टर आ रहा है हेलीकॉप्टर देखने आ रहे हैं, कि हेलीकॉप्टर देखने आए थे या फिर सभा सुनने आए थे या फिर उनके चाहने वाले इसलिए आए थे? उसके चाहने वाले हैं और हेलीकॉप्टर तो बहुत पहले देख चुका हूँ, लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है झूठ बोल बोल के, देखिए उसका 12 बजे सभा था लेकिन 2 बजे आया और यहाँ पे गलत करके चल गया वो। यानी यहाँ पे 2 सभा थी? जी जी जी। और उसका 12 बजे टाइम था, मतलब कांग्रेस का ये झूठ बोल के पूरा एकदम बेकार कर दिया। यानी कहीं ना कहीं आपको बता दे कि यहाँ पे 2 सभाएं थी जिसके कारण से यहाँ पे उसको अपने सभा में उतरना था लेकिन हो गई और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी अवैसी साहब का जो सभा था वहाँ पे पहुँच गए वो और अचानक यहाँ में सभी लोगों ने उसके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले ने उसका बहिष्कार किया, उसे दोबारा फिर दूसरे जगह उठा। अवैसी का 2 बजे टाइम था, 2 बजे टाइम पे आया और उसका 12 बजे था कांग्रेस का सभा, वो 2 बजे कर रहा है, मतलब कितना गलत कर रहा है, मतलब हर जगह में कांग्रेस का गलत ही गलत है, मतलब सब दलाल है कांग्रेस का, कोई काम विकास उकास नहीं होता। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का संविधान इसकी इजाजत देता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का एजेंट कहने वालों,
नागरिकता मिल सकता है, अब्दुलरहमान को क्यों नहीं मिल सकता है? हिंदुस्तान का आर्टिकल नंबर 24 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस देश के किसी भी इलाके का हिंदू हो के मुसलमान हो, सबको बराबरी का ना बराबरी का हक है यहाँ पर हासिल। तो तुम्हें किसने इजाजत दी मुसलमानों को अलग करने की? किसने आवाज उठाई? अवैसी ने आवाज उठाई, नीतीश ने समर्थन किया, लालू ने समर्थन किया, कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन आपकी रक्षा के लिए कौन बोला? अवैसी बोला। जब हमारी आवाज अवैसी उठाता है तो हमारा लीडर भी अवैसी होगा। ये अमोर विधानसभा के लोगों, एक बात बताइए, आपके इलाके के अंदर तरक्की का कौन सा काम हुआ? बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे सामने, जदयू नीतीश कुमार जी की पार्टी हमारे सामने और कांग्रेस हमारे सामने। हम नीतीश कुमार जी से पूछ सकते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कार्यकर्ता होने की हैसियत से और एक वोटर होने की हैसियत से हमें यह अधिकार है कि नीतीश कुमार जी, पिछले 15 साल के अंदर अमोर विधानसभा के लोगों ने आपको वोट दिया, अपना कीमती वोट दिया और अपने रिश्तेदारों का वोट दिलवाया भी, लेकिन जब इन्हीं माइनॉरिटी इन्हीं अमोर विधानसभा के लोगों के खिलाफ जब NRC पास किया जा रहा था तो उस वक्त आप खामोश क्यों थे? इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। जब अमोर सीमांचल पूरे भारत माइनॉरिटी के खिलाफ जब इनको भगाने और हटाने की जब एक बिल और एक कानून पास किया जा रहा था तो श्री नीतीश कुमार जी उस वक्त आप राज्यसभा के अंदर आप और आपके मेंबरान खामोश क्यों थे? क्या इन मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया था? सन 2015 के अंदर दिया जरूर था सीमांचल के लोगों ने, बल्कि बिहार के मजलूम मुसलमानों ने, दलितों ने आप पर विश्वास किया था, लेकिन आपने उनका वोट लेकर गद्दारी की। बिहार के लोगों के साथ आप बैठ गए BJP के गोद में जाकर। हम किस आधार पर आज आपको वोट दें बताइए? जब इस लॉकडाउन के अंदर हमारे सीमांचल के गरीब तड़पते हुए पैदल चलकर दिल्ली से वो पहुंचे बिहार बॉर्डर पर, तो आपने बिहार बॉर्डर को सील कर दिया था। किस आधार पर आपको वोट दें बताइए? नीतीश कुमार साहब, रोहतास जिले की आबादी 28 लाख की आबादी है, वहां पर कॉलेज की तैदाद 38 है। यही आबादी अररिया जिला के अंदर है, अररिया जिला के अंदर कॉलेज की तैदाद 9 क्यों है? आपने रोहतास जिले के अंदर 38 कॉलेज दिए, अररिया पूर्णिया किशनगंज को आपने क्यों कॉलेज क्यों कम दिए? मेरे भाइयों, सबके सब गद्दार हैं, सबके सब लुटेरे हैं। अरे किस कांग्रेस की बात करते हो कि सेक्युलर है? इस देश के अंदर NRC का प्रस्ताव लाने वाला कौन? यही कांग्रेस। इस देश के अंदर CAA का प्रस्ताव लाने वाला कौन? यही कांग्रेस। बाबरी मस्जिद को तोड़वाने के लिए सबसे बड़ी पुष्ट पढ़ाई किसकी हासिल थी? इसी कांग्रेस की हासिल थी। मेरे भाइयों, भागलपुर के अंदर तकरीबन 1200 नौजवानों को जलाकर मारकर उनके नाशों को दरिया के अंदर बहा दिया जाता है, किसके जमाने के अंदर? कांग्रेस के जमाने के अंदर। मेरठ के अंदर दंगा होता है, 45 नौजवानों के गले में छुरी और चाकू चलते हैं, ये कांग्रेस के लोग खामोश बने बैठे रहते हैं। कांग्रेस वाले पूछना चाहता है, बताओ मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, तलाक के ऊपर बिल पास किया जा रहा था तो तुम्हारे मुंह में क्यों ताले लगे हुए थे? क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था? दिया था, लेकिन तुम भी वही चाहते हो जो इस देश की फिरका परस्त तंजीमें और जमातें चाहती। मेरे भाई, होश में आइए, होश में आइए। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि मौलाना किसके पीछे जाए? इस वक्त आपकी आवाज कौन बुलंद कर रहा है? बाबरी मस्जिद पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। NRC पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। CAA पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, फैसले आए, कौन बोला? अवैसी बोला। तलाक के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। लॉकडाउन के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। ये सीमांचल की तकदीर को बदलने के लिए आर्टिकल 371 के तहत तरक्की का पैकेज लाने वाला कौन? अवैसी। हमारे बड़े भाई अकबुल ईमान साहब, तो हमारा वोट भी किसको जाएगा? अवैसी को जाएगा। ये गद्दार लीडर जो चुपचाप बने बैठे हैं अपने
कुर्सियों पर हमारा वोट इन गद्दार लीडरों को नहीं जाएगा। अल्लाह ने आपको मौका दिया मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको मौका दिया। कल तक तो आप बोलते थे कि मौलाना हमारे पास विकल्प नहीं, अब तो आपके पास विकल्प है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकल्प है। हमारे बड़े भाई अख्तर उल ईमान साहब कम जानते हैं, हमने इनसे सियासत सीखा है और इनको इनकी क़यादत नुमाइंदगी के अंदर हम काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैसला लेना था जो कि हाथ के लिए सदर साहब का इशारा हुआ, हमने सर आँखों पर रखा, हमने कहा कि सर अगर सीमांचल की तकदीर बदलने के लिए अगर अब्दुल्ला सालिम को ये कुर्बानी देनी पड़े तो इस तरीके से अब्दुल्ला सालिम 100 कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों क्या चाहिए आप लोगों को, क्या चाहिए? 70 साल से दूसरी पार्टी को देखा है हमने, अगर 5 साल के लिए माइम को देख लेंगे तो कुछ हर्ज हो जाएगा? तो इसीलिए हम लोग जब देखिए फसल लगाते हैं तो फसल के अंदर अगर